नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स रिव्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त अरिजीत और आज हम रिव्यू करने वाले हैं TVS Apache RTR 164। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम है तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाकर, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो आइए देखते हैं, ये बाइक जो है ये नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में पड़ता है और TVS का ये हाईएस्ट सेलिंग बाइक है। अगर सामने से देखें तो इसका जो हेडलैम्प है वो एक मल्टी रिफ्लेक्टेड टाइप हेडलैम्प है, वो हैलोजन 35x35 वाट का हेडलैम्प है और बहुत ही अच्छा रोशनी देता है रात को, और इसमें दो पायलट लैंप्स दिया गया है जो इसको एक एनिमलिस्टिक लुक देता है। अगर आप इसका हैंडल बार को देखें तो ये एक सिंगल पीस हैंडल बार है जिसमें आपको सारे स्विचेस मिल जाता है। इसमें आपको एक इंजन किल स्विच मिल जाएगा, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर्स, और एक पास लाइट का स्विच मिल जाएगा, सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिल जाएगा। AEC होने के कारण इसमें हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच नहीं है। अगर आप इसका मीटर कंसोल को देखें तो ये एक एनालॉग और डिजिटल मीटर कंसोल है, कॉम्बाइंड मीटर कंसोल। इसमें आपको एक टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, दो ट्रिप मीटर्स, ओडोमीटर, एक क्लॉक, फ्यूल इंडिकेटर, न्यूट्रल, हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर्स, टॉप स्पीड रिकॉर्डर मिल जाता है। इसमें आपको लो बैटरी इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। कार्बन मैट फाइबर के फिनिश दिया गया है मीटर के पास। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 12 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, और ये अगर आप नीचे आए तो इसका जो बेली पैन है उसमें आपको BS4 और हाइपर एज का ब्रांडिंग मिल जाएगा। बाइक देखने में बहुत ही अच्छा है, इसमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों दिया गया है। कार्बन फाइबर का फिनिश बाइक के हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे भी आपको RTR 160 का ब्रांडिंग विद सम ग्राफिक्स मिल जाएंगे। इसका जो एग्जॉस्ट है उसके ऊपर आपको एक मफलर मिल जाएगा जो कि हीट शील्ड है आपका जो पैर है उसको जलने से प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो पीछे इसका टेल लैम्प है वो भी LED है, और पीछे भी आपको क्लियर लेंस टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इसका जो सीट है वो उसका हाइट है 790 mm, जो कि ठीक ठाक है सभी हाइट के लोगों के लिए। इसके पीछे का सस्पेंशन को अगर देखें तो ये MIG यानी कि मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस रिजर्वर सिस्टम का सस्पेंशन है जो कि बहुत ही अच्छा है, और सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएंगे। अगर इसका इंजन को देखें तो ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वाल्व 159.7 cc का इंजन है जिसका मैक्सिमम पावर है 15.2 PS एट 8000 RPM, और मैक्सिमम टॉर्क है 13.03 Nm एट 65000 RPM। तो आप ये बाइक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा देखने में है। इसका ब्रेक्स को अगर देखा जाए तो 270 mm का सामने डिस्क मिल जाता है, और पीछे ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाता है। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है वो 200 mm का डिस्क ब्रेक है, और आप ड्रम ब्रेक भी ले सकते हैं। ये बाइक दो वेरिएंट में आता है, एक सिंगल डिस्क और एक डुअल डिस्क। इसमें मेटल डिस्क यूज़ किया है ताकि ये बेटर हीट डिसिपेशन में आपका मदद करे। इसका जो टायर्स है वो 17-inch के टायर्स है, वो सामने 90x90 टायर और पीछे 100x90 टायर यूज़ किया गया है। दोनों ही टायर आपको ट्यूबलेस मिल जाए। ये बाइक आपको 40 से लेकर 45 तक का माइलेज दे सकता है। इसका जो टैंक काउल है जिसमें Apache का ब्रांडिंग आपको मिल जाएगा वो भी बहुत ही अच्छा है, और इसका जो क्लच है वो और जो ब्रेक लीवर है दोनों में एल्यूमिनियम फाइबर का फिनिश दिया गया है। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है ऑन रोड कोलकाता, सिंगल डिस्क का जो वेरिएंट है उसका प्राइस है 90,915 rupees, और जो डबल डिस्क वेरिएंट है उसका प्राइस है 92,965 rupees। तो दोस्तों, ये आपको बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। मैंने इस वीडियो में ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, वाइट कलर का रिव्यू किया है। इसके अलावा भी आपको ये येलो कलर में अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा नए नए बाइक्स और स्कूटर्स के ऊपर।
फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ एंड गुड बाय।